असम सरकार ने बाल विवाह के ऊपर कड़ा एक्शन लिया है, आज से ड्राइव शुरू किया है और 1800 लोगों पर एक्शन भी हुआ है, 4000 लोगों पर आगे एक्शन होगा, क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कि जो कायदा केंद्र सरकार यहाँ पर एज ए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर बनाती हैं और जो 18 साल तक एक बेसिकली कायदा बना हुआ था, अब तक हम जब तक दूसरा कायदा इस सदन में आता नहीं है तब तक उसे फॉलो करना इस देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है। और आसाम में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 14 साल के भी बच्चों के विवाह हुए हैं और ऐसे कई लोगों पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके पेरेंट्स पे, उनके रिलेटिव्स पे, तो मुझे लगता है किसी बच्चे से उनका बचपन और उनका भविष्य छीनने का अधिकार नहीं है। उन्हें जो राइट संविधान और ये सभ्यग्रह देता है, मुझे लगता है उसी के अंतर्गत उन्होंने काम करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो उन पर कार्रवाई भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का भविष्य ये देश का भविष्य है। सर, असम सरकार ने बाल विवाह चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक मुहिम शुरू किया है, 1800 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, किस रूप में आप इसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी पहल है और मैं असम के सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसे जो चाइल्ड जो मैरिज जो होता है वो उसमें मतलब कुछ कमी आएगी, लोग डर जाएंगे कि अगर हम नाबालिग को शादी करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन होते हैं। इसलिए शायद इंडिया में पहली बार असम सरकार ने, असम के सीएम ने इस तरह से व्यवस्था लिए हैं और इसे विशेषकर हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों को गिरफ्तारी भी हो चुकी है और 2-4 दिन में बहुत लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है और बहुत अच्छी काम असम के सीएम कर रहे हैं। लेकिन लोग सर इसको कॉमनल एंगल से जोड़ के देख रहे हैं कि मुस्लिम के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान है। आप देखिए, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें आप देखिए उसमें हिंदू भी है, ऐसा बात नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे बात कहेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह से बात ना कहें, उसमें हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, बुद्धिस्ट भी है, सभी को एक्शन लिया जा रहा है।